हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, और ये शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब एग्जाम केवल और केवल 20 से 25 दिन के अंदर अंदर होगा, ठीक है। और अगर 20 से 25 दिन के अंदर अंदर होगा तो इसका मतलब है कि हमें शॉर्ट नोट्स कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हमें सारी चीज़ें कवर करवा दें, बिल्कुल। तो वो काम करता है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स किस तरीके से करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि आपको कोई भी चैप्टर, जो भी जिस चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसका सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको 2 से 3 बार पढ़ें। क्या करना है? 2 से 3 बार पढ़ें, बिल्कुल 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहली बात तो ये फैक्ट्स की बात वहाँ होती है जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फैक्ट्स के साथ साथ कुछ फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूला, मतलब आपको फैक्ट्स और फॉर्मूला दो के दोनों आपको क्या करना है, नोट करना है किसी पर्टिकुलर पेज में, ठीक है। अगर अलग अलग पेज करोगे तो आपको अलग अलग देखने में मज़ा आएगा, और अच्छे रंग बिरंगे कलर से कोशिश करना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, मैथ के लिए फार्मूला ही काफ़ी है, आप लोग फार्मूला अलग से करना, ठीक है, अलग से उसको कर लेना, कम से कम एक पतली सी कॉपी बना लेना या फिर 4-5 पेज का इकट्ठा वो कर लेना, ठीक है, बाउंड कर लेना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट्स के तरीके पे आ जाते हैं, यानी कि फैक्ट्स अगर आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट्स। लेकिन अगर जो न्यूमेरिकल्स होता है मैं उसकी अगर बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहो तो अलग से आप उसका सेक्शन बना के उसमें लिख सकते हो, ताकि आपके जब एग्ज़ाम में कम से कम, अगर जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो आज की डेट में आप कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उस सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, इतने कम पेज में बनाना है आपको, ठीक है। और अगर इस तरीके से करेंगे तो गारंटीड है कि आपका कम से कम कुछ नहीं तो एट लीस्ट, अगर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो कम से कम अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 100 क्वेश्चन में तो आपका कम से कम 85 क्वेश्चन तो बड़े आराम से निकलेगा, ठीक है, अगर इस तरीके से बना के चलते हो कम से कम, समझ रहे हो सकता है एकाध, लेकिन वो आप लोग कर जाओगे बड़े आराम से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।